गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विजया। आज हम आपसे बात करेंगे डिफेनबैकिया को लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ में इसकी कैसे केयर करनी चाहिए। फ्रेंड्स, डिफेनबैकिया को डम्पकेन या फिर लियोपार्ड लिली भी बोलते हैं, शायद इसके इस ब्यूटीफुल पैटर्न के कारण है। ये ओरिजिनेट हुआ है साउथ और सेंट्रल अमेरिका में। ब्राज़ील में कहते हैं यह प्लांट जो है घर को निगेटिव एनर्जी से बचाता है। ये आसानी से उगने वाला एक इंडोर प्लांट है। इस प्लांट की कई सारी वैरायटी आती हैं। ये तीन वैरायटी तो आप देख ही रहे हैं। लीव्स में कई तरह के कलर्स जैसे कि क्रीम, येलो, वाइट आते हैं। इसके शेड्स भी बहुत तरह के होते हैं। इस तरह से इसके सुंदर सुंदर शेड्स के कारण ये जो पैटर्न बना है ये किसी भी सिंपल सी जगह को बहुत ही यूनिक बना देता है। ये प्लांट बिल्कुल सीधा ग्रो होता है। ये काफ़ी लंबा हो जाता है लेकिन तब उतना सुंदर दिखाई नहीं देता क्योंकि इसकी जो स्पॉटेड और ये डिज़ाइनर लीव्स दिख रही हैं वो डायरेक्ट आई व्यू से दूर हो जाती हैं। इसलिए इस प्लांट को छोटा रखें तो वो ज़्यादा बेटर है। छोटा प्लांट थोड़ा सा बुशी जैसा लगता है। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसकी थोड़ी केयर की भी बात कर लें कि इसको कैसे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इसके लिए। जैसे डिफेनबैकिया को डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इसकी जो पत्तियाँ हैं ये थोड़ी सी ब्राउन पड़ने लगती हैं। इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर हल्की हल्की धूप आती रहे। इस प्लांट को रेगुलर पानी चाहिए लेकिन जो पानी है वो जड़ों के पास इकट्ठा ना हो ताकि सॉयल जो है बिल्कुल सौगी ना हो, सब बह जाए। ज़्यादा नमी रहने से बैक्टीरिया पनप जाते हैं। पहले तो स्टेम को सॉफ्ट कर देंगे फिर लीव्स को पीली कर देंगे। उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस प्लांट को हटा देना होगा। फ्रेंड्स, इसकी ग्रोथ अगर अच्छी चाहते हैं बनी रहे तो साल में एक दो बार लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना ठीक रहता है, वो भी ग्रोइंग पीरियड के समय। ग्रोइंग पीरियड इसका मार्च से लेकर के अक्टूबर तक रहता है। विंटर के समय ये प्लांट की जो ग्रोथ है थोड़ी सी रुक सी जाती है। इसका प्रोपोगेशन हम लोग खूब आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से स्टेम से निकाल करके बनाया गया प्लांट देखिए निकल आया है। ये देखिए काफ़ी बड़ा भी हो रहा है। इसको अलग कर सकते हैं। इसकी जो ये बड़ी बड़ी जो स्टेम्स हैं इसी को जो है 3-4 इंच में काट करके अलग अलग जगह लगा सकते हैं। कुछ ही हफ्ते में, 2-3 हफ्ते में इसमें ग्रोथ हो जाती है। फ्रेंड्स, इसकी जो ये जो ऊपर की सरफेस अगर मिट्टी की गीली लगे तो पानी नहीं डालना चाहिए, सूख जाए तभी डालना चाहिए। इसको जो है इस प्लांट को कितना भी बड़े गमले में लगाओ कुछ दिन बाद उसमें बहुत सारे प्लांट्स छोटे छोटे निकल आते हैं, पूरा गमला भर जाता है। उनको अलग अलग रिपोर्ट कर देना ठीक रहता है। इस प्लांट में जो है बैक्टीरिया डिसीजेज़ के अलावा मिली बग, एम्फिड्स भी अटैक कर देते हैं। उस समय नीम ऑयल से स्प्रे करना ठीक रहता है जिसका कि हम एक वीडियो बना चुके हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस डिफेनबैकिया को छूने से पहले या फिर प्लांट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्लांट की लीव्स में या स्टेम से सैप निकलता रहता है, कोशिश करें वो बॉडी में ना लगे। अगर लग गया हो तो तुरंत सोप से धो डालें क्योंकि वो टॉक्सिक होता है, उससे रैशेस, एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। छोटे बच्चे, पेट्स इसकी पत्तियों को मुंह में ना डालें क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं। अगर किसी कारणवश डाल लिया हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जा करके उसको दिखवा दें। दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रख करके इस ब्यूटीफुल प्लांट को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और किसी कारणवश अगर इसकी पत्तियाँ पीली पड़ रही हों धूप से उसमें, तो एक बड़े से बकेट में पानी भर के कुछ स्टोन्स के टुकड़े डाल करके उसके ऊपर गमला रख दें, पत्तियाँ ठीक हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए लाइक बटन को क्लिक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।